यूँ तो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति एक ना एक दिन होना ही होता है, लेकिन जिस विभाग में कार्यरत रहकर अपने कार्यों की छाप किसी न किसी रूप में छोड़ी जाए तो वह हमेशा सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को याद रहेगी। कुछ इसी तरह का कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कार्यरत हनीफ खान पहचाने जाते थे, जिन्होंने हमेशा विभाग के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का समय रहते निर्वहन किया और यही उनकी प्राथमिकता में शामिल भी रहा। निश्चित रूप से अब विभाग की जिम्मेदारियों से दूर होकर हनीफ अपने घर परिवार और समाज के लिए समय देंगे और ऐसे ही सतत कार्यरत रहकर कुछ न कुछ सामाजिक उत्थान में योगदान देंगे, ऐसी मेरी आशा है। उक्त उद्गार व्यक्त किए प्रबंधक रंजीत सिंह भदौरिया ने और स्थानीय ITI के समीप स्थित पावर हाउस पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कार्यरत अपने कर्मचारी हनीफ खान को भावभीनी विदाई दी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ खान। आपका ये विदाई समारोह है, कैसा क्या महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सभी लोग। और आपके स्टाफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बढ़िया काम करो, आराम से और आराम से करो, जल्दी मत करना, जल्दी का काम करा। ये कि अंकल ने जितना अपना जिम्मेदारी के साथ में, आप ये समझिए सुबह 8 बजे से लगभग रात के 12 बज रहे थे, उसके बावजूद अंकल के चेहरे पे सिकन नहीं बल्कि ये उत्साह था कि नहीं आज हमने इतनी लाइनें, इतने DTR जो बंद थे उनको हम चालू करके जो प्रभावित उपभोक्ता थे उनको हम सप्लाई देने में सफल रहे, तो ये उत्साह लेकर के घर जाते थे और अगले दिन के लिए टारगेट मन में रहता था कि नहीं अगले दिन अभी हमें ये कार्य करना है, यहाँ नहीं छोड़ना कि ये काम हमारा पूरा हो गया ठीक है यहाँ रोक दिया, अगले दिन का कार्य जो था वो उनके दिमाग में चलता था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।